छोरा गंगा किनारे तो भाई अपने जो रोहन भाई थे वो अब स्कूल छोड़ के चल चुके हैं साले। अब उनका मन कर रहा था कि फेयरवेल पार्टी देखने का, तो उनको अभी पार्टी खा रहे हैं वीडियो कॉल से ही। राम राम जी, सब छुट्टी आज छुट्टी है देखना और क्या ताला लगा हुआ है इधर ही पहुंचा था ऐसे में छुट्टी है जा देख क्या बोलते। तो भाई ये देखो खाने में बनी है अपनी मेथी वाली परोंठी, तो भाई ये खाएंगे और लाइट ऑन कर रहे थे भाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई अभी आपका भाई उठ चुका है और भाई अभी मैं कर रहा हूँ अपना टेस्ट रन। ये देखो भाई अपना आज टेस्ट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो भाई जो जिन्हें नॉर्मली कर रखा उनको पता होगा भाई ये केमिस्ट्री में होता, तो ये तीन चार टॉपिक हैं ये। तो भाई इनका टेस्ट आज, तो आज टेस्ट देना है ट्यूशन में और भाई आज मैं स्कूल नहीं गया, थोड़ी सा सेहत ख़राब है मेरी, तो आज घर पर ही बैठा हूँ। तो अभी ट्यूशन वगैरह जाना है, 12 बजे वाले अपने ट्यूशन में जाना है। एक सुबह होती सुबह मैं गया ही नहीं, वो थोड़ी सी सेहत ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि जाते हैं ट्यूशन आज 12 बजे। हम ट्यूशन दो टाइम रखती है ना, जो बच्चा सुबह नहीं आया दोपहर को आ जाए, जो दोपहर में सुबह नहीं कुछ इसी टाइप का। तो चलो भाई अभी आपका भाई तैयार हो चुका है भाई, इस टाइम टाइम हो रहा है देखो भाई 12। तो भाई ये पड़ा है अपना बैग, बैग को उठाते हैं। नॉडी भाई, नॉडी नॉडी भाई बोल दो सबको, ये क्या लगाया मुँह के ऊपर, पता नहीं क्या क्या लगाता रहता मुँह के ऊपर। तो चलो भाई अभी चलते हैं, 12:30 बजे ट्यूशन शुरू है और टाइम हो रहा है 12:15। तो बाइक को स्टार्ट करते हैं, वार्म अप करने के लिए इसको छोड़ना भी होगा, तो चलो निकलते हैं। पहले देखो कैसे कपड़े रखे हम बाइक के ऊपर, आपको बताऊँ क्यों रखे, क्योंकि आज धुल रहे हैं कपड़े, आज बाइक की भी बुरी हालत होनी है, तो कपड़े वगैरह अच्छी तरह हम धो रहे हैं आज के दिन। तो कपड़े धोने देते हैं वार्म अप, तो इतनी देर तक अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपना ये लेके जाऊँगा RTR का कैलिवर, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। और देखो मम्मा भी आ, तो वह हैंकी लेते हैं तो चले। ये रीति कहाँ से लिया था तूने, ट्यूशन वाले दीदी ने दिया था। चल ठीक है, बाय बाय। ये देखो भाई अपनी बाइक स्टार्ट हो चुकी है एकदम आराम से, तो आपकी एक बार आवाज़ सुना देते हैं बाइक के द्वारा। बाइक हो चुकी स्टार्ट, बस अब इसको लेके चलते हैं अपने ट्यूशन। ये देखो भाई नॉडी और रीति कैसे खेल रहे हैं, रीति को पानी पिलाई जा रही है इसको, मैंने भी ना ग्लास के अंदर, ग्लास कहाँ गया वाला, ग्लास कहाँ गया, हाँ सारा पानी गिरा गया नीचे। तो भाई ये अभी ग्लास में पानी क्या फंसा रहा नाटी तू, हाँ अरे नहीं क्या क्या करता रहता भाई ये, वो देख दोबारा फंसा गया चले, वो मार फट लिया। ये भी अपनी सारी की सारी देखो भाई बुक्स ऊपर ले आए थे और भाई अभी पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन, तो भाई ये पढ़ रहा हूँ अभी इस टाइम। ओ भाई अभी आज के दिन धूप चढ़ी है बड़ी ज़्यादा खतरनाक, तेज धूप चढ़ी है, तो भाई अभी धूप से निकलने में बैठा हूँ। तो आज का अपना केमिस्ट्री का टेस्ट शुरू हो चुके हैं, तो हम बस देंगे आज कल टेस्ट फिजिक्स का और आज शाम को अपना केमिस्ट्री का उसका टेस्ट देना है, ये दो। और कल मैथ का मैंने देना ही देना, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर कल मैथ का टेस्ट देना ही देना है मैंने। पता नहीं कौन सा घोल बना के पिला रही है उसको रीति, हाँ रीति मिट्टी मिक्स तो नहीं कर रही इसमें। तो भाई ये देखो रीति दीदी अभी तैयार हो रही है ट्यूशन जाने के लिए, पहले पेपर है इसके, क्यों नहीं खानी मेरा बर्थडे है, खाऊंगी मेरी बर्थडे। अच्छा वो नॉटी देखो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर नॉटी अपने लगा हुआ है, वो अब खुद ही खुश होते जा रहा है। जब ये बड़ा ज्यादा खुश होता तो फिर ये ऐसे करके अपने पूरी पीठ को जमीन के साथ रगड़ता है ये नॉटी। हाँ अब आया ना, अब शक्ल दिखाई क्या हालत कर दी नॉटी वालों की। तो भाई नॉटी को नहलाने का मन भी बहुत ज्यादा कर रहा, पर अभी अगर हमने इसको इस टाइम नहला दिया ना तो ये इस टाइम ठंड बड़ी ज्यादा है और इसकी सेहत खराब हो सकती है, तो सोच रहे थोड़ा सा मौसम और ठीक हो जाए पापा के पास टाइम हो, ठीक है ना दी। तो भाई अभी है शाम का टाइम और अभी हम आए थे अपने बच भाई के पास, क्योंकि नहीं थी हमारी कॉपी। तो भाई भाई को पूछते हैं काम कितना हुआ, कितना काम हुआ, थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत कर दिया। शाम को ट्यूशन आना नहीं छुट्टी बात। तो भाई भाई ने आज भाई का कच्चा पक्का है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आज ये नहीं आएंगे, तो हमने अकेले ही जाना सामने। आयुष ने आना नहीं आना आज, आयुष आना है उसने आज, आना चल ठीक है फिर चलते हैं हम घर की ओर, क्योंकि अभी भूख लगी है, खाना भी खाते हैं, कॉपी ली है उस पर अभी काम भी करना है सर का। ये देखो आपके भाई का खाना आ चुका है, दाल चावल रोटी और भाई अनारदाने की चटनी, तो भाई ये खाते हैं, इस टाइम लगी है भूख बहुत ज़्यादा, और बस पहले खाएंगे उसके बाद आपसे बाकी की बात करेंगे। और भाई देखो आजकल जब ट्यूशन जाने का टाइम है अंधेरा नहीं होता, आजकल सुबह वाला टाइम होता, थोड़े से मतलब की रोशनी होती है, नहीं तो भाई जब मैं ट्यूशन जाता था ना रोशनी होती नहीं थी,
चलते हैं ट्यूशन, और इस ट्यूशन से आते हैं हम बहुत ज़्यादा लेट। हम आते हैं कोई 8:30-9 बजे के लगभग हम आते हैं। अभी मैं निकला हूँ कोई 6:10 के लगभग। तो चलते हैं भाई बाइक है यहाँ पर। तो भाई अभी हमने ट्यूशन खोल के, जैसे कि आपको बताया कि मैं आता था ट्यूशन, तो भाई इस बार दोबारा एक नया स्कैम हो गया। तो अपने भाई अंदर गया था, समझ आया था भाई क्या हाल है। तो भाई ये भाई हमको डेली मिलता है जब भी हम ट्यूशन आते हैं। तो भाई अगर आपको ये भाई मिले तो इनसे ज़रूर मिलना, ठीक है। तो अभी ट्यूशन में हमको है छुट्टी, सर तो अंदर नहीं है। मुझे ऐसे पहले से फील होता है कि भाई आज छुट्टी होगी। तो फाइनली भाई आज छुट्टी है। आओ भाई आपको मैं अपने ट्यूशन दिखाता हूँ, चलो। तो भाई ये देखो अपने ट्यूशन आ रहा ताला। एक बंदे को बुलाया, उसको आने देते हैं, तो इकट्ठे ही चलते हैं घर। राम राम दी सर, छुट्टी आज छुट्टी है देखना। और क्या ताला लगा हुआ है इधर ही पहुंचा था, ऐसे में छुट्टी है जा देख क्या बोलते। तो भाई अभी ना मैं घर आ चुका हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़े से बाल वगैरह कटाने। बाल थोड़े से ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ कटवा लूँ। नाटी देखो कैसे सो रहा है, पापा कर रहे हैं रेस्ट इधर। ठंड कितनी आज, किसकी कांगड़ी? अच्छा अपनी है कांगड़ी, चलो ठीक है। कह रहे किसी की कांगड़ी मैंने डाली है। चलो भाई कटिंग करवाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई हमारे साथ अंकल हाई करो। तो भाई इंडिया अंकल से मैं बचपन से बाल कटवाता हूँ, तो भाई आज कुछ ज़्यादा ही बड़े हुए थे बाल, तो मैंने सोचा कटिंग करवा लेते हैं। चलो बोलते थैंक यू अंकल। चलो भाई अब चलते हैं घर। बाल एकदम सही तरीके से कटा लिए हैं, अब मेरा आराम से 1-2 महीना निकल जाएगा, क्योंकि मैं रखता हूँ, जैसे कि पता मैं रखता हूँ बड़े बड़े बाल। बाइक खड़ी है यहाँ पे। तो भाई अभी ना हम आ चुके हैं घर, और आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हमने देखा था कि मैं अभी गया था कटिंग करवाने, कटिंग करवा के वापस आ चुका हूँ। कल है अपने स्कूल की फेयरवेल, कल जाएंगे और आपको कल दिखाएंगे अपने फेयरवेल की पार्टी। तो अब आपसे सीधा कल ही मिलते हैं, तो आपको इतनी देर के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई अभी आपका भाई तैयार हो चुका है, और भाई आज है शब मेरा भाई, आज के दिन होती है हमको छुट्टी, पर आज मैं जा रहा हूँ स्कूल। आपने वैसे टाइटल को थंबनेल देखे, शायद आपको पता चल गया ही होगा कि स्कूल में क्यों जा रहा हूँ। भाई स्कूल हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज है हमारे स्कूल की फेयरवेल, और अभी मैं तैयार हो चुका हूँ भाई। स्टेंट टाइम हो रहा है 11, तो हमारी जो पार्टी है वो शुरू होनी चाहिए 10:30 के लगभग, पर मैं जाऊँगा आराम से 11:30 बजे, कि एकदम आराम से सारे बच्चे आगे होंगे फिर जाएंगे। अपने एक आधे दोस्त अभी चले गए हैं। तो भाई मैं हो चुका हूँ, आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तो भाई अभी अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, तो निकलते हैं। तो ये खड़ी है अपनी बाइक, ठीक है, आज इसी को लेकर चलते हैं अपनी कावासाकी कैलिबर। तो स्टार्ट करते हैं फिर निकलते हैं। तो भाई अभी हो चुके हम सारे के सारे तैयार। तो भाई अभी आ गए अपने साथ केशव भाई, वो देखो अपना भाई उधर ही चले गए, ये गाने आया गुम हो गया लग रहा है। तो भाई अपने कृष्णा भाई भी थे, वो शायद ऊपर चले गए हैं। ओ आजा कृष्णा, कृष्णा सारा वो बेचारा लग रहा है छुप गया। तो भाई अभी चलते हैं अपने स्कूल के तरफ, तकरीबन सारे के सारे बच्चे इस टाइम आ चुके हैं, और मैं इस टाइम तैयार होकर अपने स्कूल की गली में खड़ा हूँ। बाइक भाई देखो यहाँ पे पार्क कर दी हमने अपनी, तो चलो अभी चलते हैं, तकरीबन चले गए अंदर है ना। राघव और अपने आयान वो सुबह के आए हैं, चलो बाकी तकरीबन दोस्त इस टाइम आ चुके हैं। चलो भाई भाई यहाँ पे अपने सारे के सारे फ्रेंड्स खड़े हैं वेलकम करने के लिए। तो अपने आधे फ्रेंड्स आ गए यहाँ पर, और चल चल ठीक हो, और क्या कर रहा हूँ, ग्लास ना लेके जा रहा हूँ, आ जा नीचे आ। तो भाई अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं नीचे क्या क्या हो रहा है। ये देखो भाई सामने लगे हैं स्टॉल वगैरह सारे के सारे, ठीक है।
तो भाई देखो आधे बंदों को डर लगता है। चलो हेलो गाइस, प्लीज भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। क्या बात है, लगाओ लगाओ। तो भाई ये बंदे अपने मर्जी का गाना लगाए। चारा भैया क्या तैयारी है, ये क्या है, नहीं है क्या, क्या चीज़ है, गिफ्ट है, गाइड, अच्छा पेन वगैरह भाई, ये बाकी ये गिफ्ट हैं, ये सर्टिफिकेट हैं भाई, जो ट्वेल्थ क्लास के बच्चे ना जिनकी फेयरवेल है ये उनके लिए बनाया हुआ। चलो अच्छा पकड़ यार उसको, चलो ठीक है। ये है गेम के लिए जो स्लिप्स रखी है ना, ये गेम होगी इसके, वो मेरे को नहीं पता, भाई को बताओ कर भैया क्या हाल है, ठीक हो, चलो ठीक है भाई। ये अपने विकास भैया भाई, पूरा स्कूल का मैनेजमेंट इनके हाथ में होता है भाई। वो देखो हमारे एमडी सर आ गए, इन्होंने एक बच्चे को पकड़ लिया, इसको थोड़ा सा कर रहे हैं, कुछ बोल रहे होंगे उसको, क्या बात है। तो भाई अभी हमारे सारे के सारे टीचर्स आ गए हैं, तो भाई ये देखो टीडीए सर, एमडी सर, अर्जुन सर, सारे आ गए हैं। तो भाई सारे के सारे अपने क्लास के स्टूडेंट्स भाई यहाँ पर बैठ चुके हैं सारे के सारे एकदम आराम से, और आए और मैं ही खड़े हैं थोड़ी ड्यूटी देने के लिए, बच्चों को चुप कराने के लिए। और भाई अपने जो रोहन भाई थे वो अब स्कूल छोड़ के चल चुके हैं साल एक, अब उनका मन कर रहा था कि फेयरवेल पार्टी देखने का, तो उनको अभी पार्टी खा रहे हैं फोन से वीडियो कॉल से ही। देखो भाई पिछले साल हमारे साथ ही बैठे रहे, तो भाई अभी ये 12th क्लास के लड़कों को डलवाने लगे हैं साड़ी एज ए गेम, जो सही साड़ी बांधेगा वो जीत जाएगा। और भाई देखो यहाँ पर कितने बंदे खड़े हैं कैमरा लेके, सारे के सारे बना रहे हैं वीडियो। भाई ये है हमारे स्कूल के 2024 के मिस्टर एक्टिविटियन विनायक शर्मा। तो भाई अपने विनायक भाई बने मिस्टर एक्टिविटियन, तो भाई मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो भाई अभी यहाँ पे होने लगी है ग्रुप फोटो, ये अब दिए जा रहे हैं टीचर्स को गिफ्ट्स स्टूडेंट्स की तरफ से। तो भाई तो भाई अभी 10-15 मिनट के लिए हम आए हैं बाहर, क्योंकि इसको लेनी बैंडेज को, शूज में हो रही है अभी दर्द, टाइट हो रहा है इसमें। आगे अपना खाना राजमा चावल नान और भाई छोले पनीर। तो भाई हम चारों भाई इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, भाई कैसा लग रहा है खाना, कैसा है, अच्छा है, चलो ठीक है भाई, इसका करते हैं अभी मजा लेते हैं, और डांस वगैरह वहाँ पे हो चुका है शुरू। देखो भाई पूरे फेयरवेल का अपनी पार्टी खत्म हो चुकी है, और अब चलते हैं घर की ओर, यहाँ पे फोटोज लगा के खिंचा रहे हैं बच्चे भाई, अपना घर और घर आ चुके हैं, बाइक यहाँ पे लगा दिया, चलो अंदर चलते हैं। नाटी भी बाहर आ गया, क्या बात है नाटी, बाहर नहीं जाना, नो हाँ चलो 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 चलो, मम्मी के पास अंदर चला गया। तो गाइस आपने देखा ही होगा अभी ये पार्टी से आ गई हुई है, ये देखिए गाइस
किया, अच्छे लग रहे हैं। और ये नॉटी भाई साहब, मम्मा जी को देखो कितने सुंदर बने हुए हैं, इतने सुंदर। हेलो मम्मा बोलो। हेलो। तो ये क्या बन रहे हैं? ये बन रहे हमारे शाम की रहे। अच्छा, अगर आपको अच्छी लगी चाहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और इस पागल के मुंह के थप्पड़ मारना। यस नॉटी, तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताना भैया भैया का फेयरवेल का ब्लॉग कैसा लगा। ओके बाय।